का माधव नेशनल पार्क अब पूरी तरह तैयार है। इसमें 15 जनवरी तक 3 बाघ छोड़े जाएंगे। इनमें 1 नर और 2 मादा बाघ होंगे। वन विभाग ने 3 टाइगर की शिफ्टिंग के लिए 15 जनवरी की डेडलाइन तय कर दी है। एनक्लोजर बाड़े बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर से वन विभाग ने माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसे मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आगामी बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। राज्य की मंजूरी के बाद इसे केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा दिया जाएगा। एनटीसीए ने माधव पार्क में 5 टाइगर छोड़ने की मंजूरी दी है। पहले चरण में 2 मादा और 1 नर बाघ को छोड़ा जाएगा। बांधवगढ़ का 1 नर बाघ और भोपाल के 1 बाघिन को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं मन्ना में बाघिन की तलाश अभी चल रही है। वर्तमान माधव नेशनल पार्क 354 वर्ग किलोमीटर है, जो शिवपुरी चारण को उत्तरी सीमा से नरवर तक फैला हुआ है। सिंध नदी पर बने मणिखेड़ा डैम भी पार्क के अंदर मौजूद है। 1956 में जब इस पार्क की स्थापना हुई थी, तब इसका क्षेत्रफल सिर्फ 167 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पार्क के उत्तरी हिस्सों में हाथों गांव को खाली कराने के बाद इसमें नरवर क्षेत्र के जंगलों को छोड़ दिया गया। आखिरी बार माधव पार्क में बाघ 1996 में देखा गया था।